आजकल के लेटेस्ट फोटो पोजेस में शार्प जॉ लाइन पोज बहुत ज्यादा फेमस पोज है। कहते हैं कि शार्प जॉ लाइन या वी शेप फेसेस आपके फेशियल लुक को मोर रिफाइंड और मैच्योर दिखाते हैं। आपको भी अपने फेशियल लुक को आजकल के मॉडल्स की तरह विदाउट एनी डबल चिन परफेक्ट जॉ लाइन चाहिए तो फिर ट्राई कीजिए ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जिससे आपके डबल चिन को आप कम्प्लीटली गायब कर सकते हैं। आज का हमारे ये वीडियो है हाउ टू गेट रिड ऑफ अनअपीलिंग डबल चिन एंड हाउ टू गेट अ परफेक्ट जॉ लाइन। पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल का फेस लुक में सबसे ज्यादा अपीलिंग है जॉ लाइन कट्स। ये जॉ लाइन लाने के लिए आपको अपने डबल चिन को डिसअपीयर करना जरूरी है, तो पहले हम सिंपल एक्सरसाइज स्टेप्स से शुरुआत करेंगे। जैसे ही आप कोई भी नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही फेशियल एक्सरसाइजेस के पहले भी आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वार्मिंग अप द मसल्स। इस पोज के लिए आपको आपका लोअर जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना होगा और बाद में एक साइड से दूसरे साइड मूव करना होगा। याद रखें सभी मूवमेंट्स धीरे से और पेशेंस के साथ स्लोली एंड स्मूथली परफॉर्म करना है। इस वार्मिंग अप द मसल्स को रिपीट करना है 8 से 10 बार। तब पहला एक्सरसाइज है द स्कूप। इस मूवमेंट के लिए आपको अपना मुंह ओपन कर अपने लोअर लिप को अपने लोअर टीथ के ऊपर रोल करना है। इमेजिन करिए जैसे आपके मुंह में पानी है और आप उस पानी को स्कूप आउट कर रहे हैं। अपने मुंह को डाउनवर्ड जाते हुए स्कूपिंग मोशन में मूव करें और ऊपर आते वक्त मुंह बंद करें। इस द स्कूप एक्सरसाइज को रिपीट करें 5 या 7 बार। टच योर नोज। कहते हैं डबल चिन हाइब्रिड मसल्स नाम के वीकनेस से जुड़ी होती है, इसीलिए आपके चिन को प्रॉपरली स्ट्रेंथेंड होना जरूरी है। इस मूवमेंट के लिए आपको अपने टंग को जितना बाहर हो सके उतना स्टिक आउट करना है और फिर अपने नोज के टिप तक टच करवाने की कोशिश करनी है और इस टच योर नोज द एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट कीजिए। द परफेक्ट ओवल फेस। अगर आपको अपने फेस लुक को यंगर लुक में कन्वर्ट करना है तो ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें। इस मूवमेंट के लिए आपको अपने चीक्स को पुल अप करते हुए अपने हेड को टर्न करना है लेफ्ट टू राइट और अपने लोअर जो को जरा सा पुल फॉरवर्ड करना है जिससे आपके नेक पर स्ट्रेचिंग फील हो। यही मूवमेंट के बाद राइट टू लेफ्ट करें विद सेम स्टेप्स। इस द परफेक्ट ओवल फेस एक्सरसाइज को रिपीट करें 5 बार और वो भी हर एक साइड के लिए। किस द जिराफ। ये मूवमेंट को करते समय आपको इमेजिन करना है कि आप किसी टॉल जिराफ को किस कर रहे हैं, तो अपने फेस को लिफ्ट करके सीलिंग की ओर देखिए और फिर जरा सा अपने लोअर जो को आगे लाइए और पाउच करें। अगर आप ये एक्सरसाइज परफेक्टली करेंगे तो आपको आपके नेक पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग फील होगा। ऐसे ही ये पोजिशन 5 से 8 सेकंड तक होल्ड करना है और इस किस द जिराफ एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करना है। रेजिस्टेंस। ये एक्सरसाइज के लिए आपको पहले अपने दोनों फिस्ट को आपके चिन के नीचे रखना है और फिर आपके जॉ को जरा सा नीचे की तरफ मूव करें। इससे आपके जॉ मसल्स पर स्ट्रेन आएगा जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये पोजीशन को 3 सेकंड्स तक होल्ड करना है। इस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को 5 से 7 बार रिपीट करें। इस मूवमेंट के लिए आप अपने टीथ को क्लेंच करें और फिर आपके लिप्स के कॉर्नर्स को स्ट्रेच करें एज वाइड एज पॉसिबल। अगर आपको आपके चिन मसल्स पर स्ट्रेच फील हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज परफेक्टली कर रहे हैं। ये पोजीशन को आप 5 सेकंड्स तक होल्ड करें और स्माइल एक्सरसाइज को 5 से 8 बार रिपीट करें। पफी चीक्स। ये मूवमेंट के लिए एक लंबी सांस इनहेल करें अपने मुंह से, फिर अपने मुंह को बंद करें और चीक्स को पफ करें। फिर आपको अपने पाम से अपने चीक्स को प्रेस करना है जिससे आपको स्ट्रेच फील हो आपके चिन मसल्स पर। ये पोजीशन 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करें और इस पफी चीक्स एक्सरसाइज को रिपीट करें 5 से 6 बार। बहुत सारे डॉक्टर्स और फिजिशियंस रेकमेंड करते हैं ईटिंग राइट और फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है क्योंकि ये वन ऑफ द गुड हैबिट्स अपने बॉडी को ज्यादा समय तक यंग और फिट रखने के लिए। जैसे हम बॉडी फिट रखने के लिए न्यूमरस एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें फेशियल एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।